दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे एक आदमी ने हवा से एक ब्रिक यानी ईंट बना दी? और सबसे ज्यादा हेल्पिंग नेचर वाला एनिमल कौन है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पेड़ का नाम क्या है? तो मिलेगा आपको इन सब का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर एक, क्या आपको पता है महाराष्ट्र में हेलबर्ट नाम का एक शख्स बहुत तेजी से फेमस होता चला जा रहा है? असल में इसका नाम सुबोध है और यह किसी भी ट्रैफिक सिग्नल में इस तरह डांस करते हुए नजर आ जाता है। सुबोध का यह मानना है कि यह रेड लाइट होने की सिचुएशन में डांस करते हैं और जब तक रेड लाइट रहती है तब तक लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहता है और लोग कभी भी रेड लाइट जंप करने के बारे में नहीं सोचते। इस तरह रेड लाइट पर डांस करके वह सड़क दुर्घटना को कम करने में मदद कर रहे हैं। क्या ऐसा करना सही है या गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा इससे पहले 5 रैंडम फैक्ट्स और 7 रैंडम फैक्ट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 2, पेड़ हम किसे कहते हैं जो काफी बड़ा हो, जिसमें तने यानी डाल हो, पत्ते हो और जो पेड़ जैसा दिखाई दे? अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो घास फूस होते हैं छोटे छोटे, वो पेड़ में नहीं आते क्योंकि उनका एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन वर्ल्ड का जो सबसे छोटा टाइनी पेड़ है वह ऐसा दिखता है जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये वर्ल्ड का सबसे छोटा टाइनी पेड़ है जो बिल्कुल पेड़ जैसा दिखाई देता है और इसके पास सब कुछ है जो एक पेड़ में होता है और इसका नाम ड्वार्फ विलो है और इसे दुनिया के सबसे छोटे पेड़ का दर्जा मिला हुआ है। फैक्ट नंबर 3, ये वाला फैक्ट काफी ज्यादा जबरदस्त है। चाइना के एक आर्टिस्ट जो अपने आप को ब्रदर्स नट कहते हैं, उन्होंने अपने शहर के पॉल्यूशन से परेशान होकर एक गजब का काम किया। उन्होंने एक वैक्यूम क्लीनर लिया और उसे हाथ में लेकर ऐसे ऐसे घूमने लगे और उनके ऐसा करने पर लोग उन पर हंसते थे और कहते थे कि ये आदमी वैक्यूम क्लीनर हाथ में लेकर क्या हवा से गंदगी साफ कर रहा है। इससे क्या होगा, ब्रदर नट को पता था एक दिन ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने लगातार 100 दिनों तक ऐसा ही किया और इतना डस्ट कलेक्ट हो गया। जो फिर ब्रदर नट ने किया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने इस डस्ट को क्ले के साथ मोल्ड करके एक ब्रिक यानी ईंट बना दी। इस समय कई न्यूज वालों ने उन्हें अप्रोच किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्हें बताया भी था और ये कहा था कि उनका मकसद इससे पैसे कमाना नहीं बल्कि ये बताना है कि आपकी हवा में कितना पॉल्यूशन है। तो ऐसा ही वैक्यूम क्लीनर से डस्ट कलेक्ट करके ईंट बनाना सिर्फ लोगों को पॉल्यूशन के बारे में जागरूक करना था। आपको उनका ये जागरूक करने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, आपके पास बैंक मोबाइल सिस्टम या गूगल का पासवर्ड तो होगा ही, तब तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आपने उसे ओपन करने के लिए जो पासवर्ड बनाया है वो कितना स्ट्रांग है। तो अब आप भी ये जान सकते हैं। हम बताते हैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो काफी मजेदार वेबसाइट है जिसका नाम है howgoodismypassword.com। अगर आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको अपना पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ आप अपना पासवर्ड डालकर ये देख सकते हो कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है और आपके पासवर्ड को ब्रेक करने में कितना टाइम लगेगा। वैसे इस वेबसाइट का रियल यूज तो कोई नहीं है पर ये वेबसाइट है बड़े कमाल की, ट्राई जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5, आपने कई एनिमल्स को देखा होगा जो झुंड में आने पर आपस में ही झगड़ने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पांडा को सबसे ज्यादा हेल्पफुल नेचर वाला एनिमल माना जाता है? जहाँ कोई दूसरा एनिमल मिलते ही झगड़ा शुरू कर देते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट पांडा एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक पांडा दूसरे पांडा की मदद कर रहा है। तो आपको ये रैंडम फैक्ट्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस को आप मिस ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।